हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लर्निंग क्लासेज ऑफ एमएबीए। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी आवर नेक्स्ट चैप्टर दैट इज द अर्थ आवर होम। डियर स्टूडेंट्स, इन प्रीवियस क्लास वी हैव लर्न अबाउट द यूनिवर्स, गैलेक्सी, स्टार्स, सोलर सिस्टम, प्लैनेट्स, कॉन्स्टेलेशन, सैटेलाइट एक्सेट्रा। लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। आपके इस चैप्टर में, सेकंड चैप्टर में, अर्थ के बारे में हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। हम एक्सप्लेन करेंगे और डीपली इसके बारे में, अर्थ के बारे में जानेंगे। ठीक, चलिए। सबसे पहले अर्थ है क्या? अर्थ एक प्लैनेट है जो सोलर सिस्टम का एक पार्ट है। ठीक, अर्थ ही एक ऐसा प्लैनेट है जिस पे लाइफ है और किसी ऐसे प्लेनेट पे लाइफ नहीं है। ठीक है, अब आते हैं चैप्टर पे। द अर्थ इज वन ऑफ द एट प्लैनेट्स दैट रिवॉल्व अराउंड द सन। अर्थ एक ऐसा प्लेनेट है उन आठ प्लैनेट्स में जो सन के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, उनमें से एक प्लैनेट है। ठीक, इट इज द थर्ड प्लैनेट फ्रॉम द सन। ये सन से तीसरा प्लैनेट है। द अर्थ इज द ओनली प्लैनेट दैट इज नोन टू सपोर्ट लाइफ। और अर्थ एक अकेला ऐसा प्लैनेट है जिस पे लाइफ है। देयर आर सम रीजंस बिहाइंड इट। उसके कुछ रीजन है जो अभी विस्तार से बताए जाएंगे। द अर्थ इज सराउंडेड बाई ए लेयर ऑफ एयर कॉल्ड द एटमॉस्फियर। अर्थ के चारों तरफ एक लेयर बनी है एयर की, हवा की एक परत है। ठीक है, जिसको हम एटमॉस्फियर के नाम से जानते हैं। एटमॉस्फियर को क्या बोलते हैं? वायुमंडल। यहाँ पे बहुत सारी गैसें होती हैं। ऑक्सीजन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, नाइट्रोजन होता है, हाइड्रोजन होता है, बहुत सारी गैसें होती हैं इस एटमॉस्फियर में। ठीक, और ये पूरे अर्थ को कवर करता है। अगर ये मेरा पूरा अर्थ है तो इसके चारों तरफ एक क्या होगी? एक एयर की लेयर होगी, उसको हम एटमॉस्फियर कहते हैं। ठीक, द एयर वी ब्रीथ कम्स फ्रॉम द एटमॉस्फियर। और जो हम ये एयर है इसको हम एटमॉस्फियर से लेते हैं। किस लिए लेते हैं? सांस लेने के लिए, ब्रीथ करने के लिए। द अर्थ टेम्परेचर इज नाइदर टू हॉट नॉट कोल्ड, दैट इज वाई लाइफ इज पॉसिबल ऑन इट। और जो अर्थ के टेम्परेचर है, जो यहाँ का तापमान है, वो ना तो बहुत ज़्यादा है और ना ही बहुत कम, इसलिए यहाँ पर लाइफ पॉसिबल है। अगर यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता तो लाइफ पॉसिबल नहीं होती, सब चीज़ें जल जाती। अगर टेम्परेचर बहुत ही कम होता, हमेशा जो है बर्फ ही रहती, तब भी लाइफ पॉसिबल नहीं रहती, है कि नहीं? द अर्थ सर्फेस इज डिवाइडेड इंटू टू पार्ट्स, द लैंड एंड वाटर। अर्थ का जो सर्फेस है, पूरे अर्थ का, ठीक है, पूरे अर्थ का जो सर्फेस है वो टू पार्ट्स में डिवाइड है। फर्स्ट है लैंड एंड सेकंड है वाटर। अबाउट 70% ऑफ द अर्थ सर्फेस इज कवर्ड विद वाटर, दैट्स वाई द अर्थ इज ऑल्सो कॉल्ड द ब्लू प्लैनेट। और अर्थ के 70% भाग पर, ये देखिए 70% भाग पर, देखिए 30% में ये जमीन है, ये लैंड है। ठीक है, और ये क्या है? ये वाटर है। 70% भाग पर पानी ही पानी है। ठीक, इसीलिए इसको ब्लू प्लैनेट के नाम से जाता है, क्योंकि ये आसमान से जब अर्थ को आप देखोगे तो ब्लू कलर के, क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा यहाँ पे है, लैंड बहुत थोड़े से हैं। ठीक है,
70% पानी है, तो पानी ही पानी ज्यादातर दिखाई देता है, लैंड उतने ऊपर से नहीं दिखाई देते हैं। ठीक, द रिमेनिंग 30% ऑफ द अर्थ सरफेस इज लैंड वेयर वी लिव, और जो 30% 30% क्या है, लैंड है, उस पर हम लोग रहते हैं। ठीक, अब आइए शेप के बारे में जाना जाए, अर्थ के शेप के बारे में। अर्थ का शेप आप लोगों को बचपन से बताया जा रहा है कि अर्थ का शेप राउंड है, लेकिन आप लोगों को बताया जा रहा है पूर्वज, हमारे जो पूर्वज थे एंशियंट टाइम प्राचीन समय में, किसी को ये नहीं पता था कि अर्थ गोला है कि चपटा है। सब देखते थे ये फ्लैट है, हम लोग पैदल चल रहे हैं, अगर गोला होता तो बॉल जैसा होता, हम लोग यहाँ से चलते पता चला घर से ऐसे चलते और ये मेमियन आते 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 ऐसे पहुँचते, लेकिन हमें ऐसा दिखाई तो देता नहीं। तो पहले के लोग सोचते थे कि ये प्लेन है, एकदम समतल है, लेकिन ये राउंड कैसे है इसके बारे में भी पता लगाया गया। आइए देखते हैं कैसे पता लगाया गया। वेरी लॉन्ग टाइम एगो, बहुत समय पहले, पीपल बिलीव दैट द अर्थ इज फ्लैट इन शेप। पीपल जो थे, जो लोग थे बहुत समय पहले, लोग क्या करते थे, अर्थ को फ्लैट समझते थे, एकदम प्लेन समतल समझते थे। ठीक है, दैट इज वाई दे थॉट If they traveled far, they would reach the end of the end and fall down from it. और वो लोग क्या सोचते थे कि अगर हम चलते जाएं, तो हम लास्ट धरती के लास्ट छोर पर पहुंच जाएंगे और वहां से गिर जाएंगे। ऐसा लोगों का पहले मानना था कि धरती क्या है, अर्थ क्या है, एकदम प्लेन है, फ्लैट है, अगर हम चलते जाएंगे तो एक ऐसा एंडिंग पॉइंट आएगा जहाँ पे हम लोग गिर जाएंगे। जैसे हम लोगों की छत प्लेन रहती है, छत पे अगर हम लोग चलते जाएं तो एक टाइम ऐसा आता है कि गिर सकते हैं, तो वैसे ही लोग सोचते थे कि हम लोग चलते जाएंगे तो गिर जाएंगे। आगे देखिए क्या होता है, देयर वेयर सम पीपल लाइक एरिस्टोटल एंड कॉपरनिकस Who went against that belief? और इन सब की बातें सुन सुनकर ऐसे दो विद्वान लोग आए, कौन थे, अरस्तु और कॉपरनिकस। ये दो लोग क्या लोगों से बोलने लगे कि नहीं, धरती अर्थ जो है फ्लैट नहीं है। According to them, the earth was flat at the edges. They believed that The earth was round in shape and it did not have any edges. अब देखिए ये लोग क्या बोलते थे कि अर्थ जो है फ्लैट नहीं है और इसका कोई एंडिंग पॉइंट नहीं है। ठीक है, ये लोग कहते थे कि अर्थ का शेप राउंड है, अगर हम यहां से चलना शुरू करेंगे तो ऐसे ही चक्कर लगाते लगाते फिर यहीं पे पहुंच जाएंगे। ठीक, इसका कोई अर्थ का कोई एंडिंग पॉइंट नहीं है, ऐसा कौन मानता था, अरस्तु और कॉपरनिकस। इन 1590 ए पोर्तुगीज सेलर फर्डिनेंड मैगलेन एंड हिज कंपनीज सेट टू सेल फ्रॉम स्पेन टुवर्ड द वेस्ट, और सन 1519 ईस्वी में पुर्तगाल के नाविक जिनका नाम था फर्डिनेंड मैगलेन, ये अपने कंपनी के साथ, अपने नाविक कंपनी के साथ एक नाव पर बैठे। ठीक है, और स्पेन से इन्होंने यहाँ से चलना स्टार्ट किया पानी के रास्ते से। ठीक, दे केप्ट ऑन सेलिंग इन द सेम डायरेक्शन फॉर मैनी ईयर्स, और वो सेम डायरेक्शन में वेस्ट के साइड ही चलते गए कई साल चलते गए। आफ्टर अबाउट 3 ईयर्स दे रीच द सेम प्लेस फ्रॉम वेयर दे हैड स्टार्ट, और एक समय ऐसा आया कि ये 3 साल के बाद, ठीक है, आफ्टर 3 ईयर्स 3 साल के बाद ये जहाँ से चले थे वहीं पे ये फिर से पहुँच गए। इसका क्या मतलब हुआ,
इसका क्या मतलब हुआ कि जहाँ से चले थे वहीं से पहुँच गए, इसका मतलब देखते हैं क्या होता है। वेयर दे हैड स्टार्ट दिस लॉन्ग वेज प्रूव दैट द अर्थ इज राउंड इन से, और जब वो एक जगह से चले और फिर कई साल चलते गए सेम डायरेक्शन में, फिर उसी जगह पर पहुंच गए, इससे ये साबित होता है कि अर्थ राउंड है, अर्थ का शेप राउंड है। जैसे सपोज करिए आप यहाँ से चलना स्टार्ट किए, अब यहाँ से ऐसे चलते गए 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 यहाँ पर पहुंच गए, इसका मतलब क्या हुआ, ये इसका शेप क्या है, राउंड शेप है। ठीक है, अगर ये फ्लैट होता, अगर ये अर्थ ऐसे ही फ्लैट होती तो आप यहाँ से चलते जाते चलते जाते चलते जाते एक टाइम क्या होता, आप यहाँ पहुँच के गिर जाते। लेकिन ऐसा इनके साथ नहीं हुआ, क्योंकि ये एक ही दिशा में चलते गए और फिर उसी दिशा में पहुँच गए उसी जगह पे, इसका मतलब ये निकल के आया कि अर्थ का शेप राउंड है। इन 1961 यूरी गागरिन ऑफ रसिया टूक ए राउंड ऑफ द अर्थ इन ए स्पेस क्राफ्ट, और 1961 में, सन 1961 में रूस के, रसिया मीन्स रूस, रूस के ठीक है एस्ट्रोनॉट थे जिनका नाम था यूरी गागरिन, वो स्पेस क्राफ्ट से गए अंतरिक्ष में। ठीक है, ही ऑल्सो फाउंड दैट द अर्थ इज राउंड इन शेप, और उन्होंने क्या देखा कि अर्थ का वाकई में अंतरिक्ष से स्पेस से उनका शेप राउंड शेप दिखा, किसका, अर्थ का। सिमिलरली इन 1969 टू अमेरिकन एस्ट्रोनॉट्स नील आर्मस्ट्रॉन्ग एंड एडविन एल्ड्रिन लैंडेड ऑन द मून, और 1969 में अमेरिकन एस्ट्रोनॉट, अमेरिका के एस्ट्रोनॉट गए, कौन कौन था, नील आर्मस्ट्रॉन्ग एंड एडविन एल्ड्रिन, ये दो लोग थे, ये मून पे गए, मून पे जाके इन्होंने क्या देखा, दे टूक मैनी फोटोग्राफ्स ऑफ द अर्थ फ्रॉम देयर, दीज फोटोग्राफ्स आल्सो प्रूव दैट द अर्थ इज राउंड इन से, और ये क्या किए, ये मून से कई सारे पिक्चर्स क्लिक किए अर्थ के, और उस पिक्चर में ये शो हो रहा था कि अर्थ का शेप राउंड है। ठीक है, तो ये तो अर्थ, ये तो आपका अर्थ हो गया और अर्थ का शेप हो गया, अर्थ का शेप कैसा है, राउंड है। ठीक, अब आते हैं मूवमेंट ऑफ द अर्थ, मतलब अर्थ के मूव करने की, घूमने की, चलने की बारे में बात करते हैं कि वो चलता है कि नहीं चलता है, कि हम लोग चलते हैं। ठीक है, द अर्थ हैज टू मूवमेंट रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन, अर्थ के दो मूवमेंट होते हैं, अर्थ के चलने के लिए दो मूव होते हैं, पहला होता है रोटेशन, रोटेशन मीन्स होता है चक्कर लगाना, चक्कर लगाना, जैसे मैं खड़ा हूँ मैं रोटेट होऊंगा तो क्या होगा, मैं अपनी जगह पे ऐसे रोटेट होऊंगा, है कि नहीं। और रिवॉल्यूशन, रिवॉल्यूशन ये होता है कि कोई ऐसे यहाँ पे कोई चीज है, हम उसके किनारे किनारे चक्कर लगाएं, खुद चक्कर काटते हुए, जैसे सपोज करिए यहाँ पे कोई चीज है, अब हम क्या करेंगे, ऐसे ही खुद से चक्कर लगाते 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 ये चीज यहाँ पे है, और चक्कर लगाते लगाते ये चीज यही अपनी जगह पर रहेंगे, हम ही चक्कर लगाएंगे। ठीक है, इसको रिवॉल्यूशन कहते हैं। ठीक, आइए हम फिगर के माध्यम से इसको और अच्छे से जानते हैं। रोटेशन, ये रहा अर्थ, अर्थ क्या है, ये अर्थ है, अच्छा अर्थ थोड़ा सा झुका हुआ है। ठीक, ये अर्थ यहां से ये इसकी एक्सेस है। ठीक है, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल। ठीक, अब ये अर्थ क्या होती है, अर्थ ऐसे चक्कर नहीं लगाएगा, अर्थ थोड़ा सा तिरछा है तो ऐसे ही चक्कर अपनी जगह पे ऐसे ही लगाएगा, तो इसको कहते हैं रोटेशन। सपोज करिए ये हमारा अर्थ है। ठीक, अब ये क्या करेगा, ये ऐसे ऐसे ही अपनी जगह पे चक्कर लगाएगा। ठीक है, उसको कहेंगे रोटेशन। और रिवॉल्यूशन क्या होता है, रिवॉल्यूशन ये सन का चक्कर लगाता है अर्थ। ठीक है, तो ये सन हो गया, अब अर्थ जो है अपनी जगह से ऐसे ही घूमते 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 ऐसे ही
चक्कर लगाएगी, एक चक्कर लगाने में 1 साल इसको हो जाएंगे, ठीक है, 1 साल ये सूरज का चक्कर लगाने में 1 साल हो जाते हैं, और जो अर्थ अपनी जगह पे ऐसे घूमती है वो 24 घंटे लगते हैं उसको अपनी जगह पे घूमने में, और सूरज का चक्कर लगाने में उसको क्या लगता है, उसको लगता है 365 दिन, ठीक है। आइए आगे देखते हैं रोटेशन। द अर्थ स्पिन्स लाइक ए टॉप अबाउट एन इमेजिनरी लाइन कॉल्ड एक्सिस, द मूवमेंट इज नोन एज रोटेशन। जो अर्थ है वो स्पिन करती है, जैसे बॉल हमारी स्पिन करती है, उसको नचा दीजिए, ठीक है, लट्टू देखो, अर्थ लट्टू जैसा ही चक्कर लगाता है, ठीक, तो ये हम लोग इसी को एक्सेस कहते हैं। एक इसका पॉइंट होता है, जैसे सपोज करो ये इसको, ये सपोज करो ये लट्टू है, तो ये अपनी जगह पे उसके जो नीचे का पॉइंट है, ठीक है, जो कील होती है लट्टू का, वही तो नाचता है, ठीक है, तो ऐसे ही नाचेगा वो, चक्कर काटेगा, तो इसी पे अर्थ क्या करती है, इसी पे ऐसे चक्कर काटती है, ठीक, इसी को हम एक्सेस कहते हैं, एक्सेस इसी पॉइंट। द अर्थ कंप्लीट्स वन रोटेशन ऑन इट्स ओन एक्सेस वंस एवरी 24 आवर्स, और जो अर्थ चक्कर लगाती है, नाचती है, स्पिन करती है, वो 24 आवर्स करती है। अभी हमने आपको बताया कि ये जब एक चक्कर अपने ऐसे ही पूरा कर लेगी तब 24 घंटे हो जाते हैं। द मूवमेंट ऑफ द अर्थ कॉजेज डे एंड नाइट, द पार्ट ऑफ द अर्थ दैट फेसेस द सन हैज डे एंड द पार्ट दैट इज अवे फ्रॉम द सन हैज नाइट। और अर्थ जो है, अर्थ जो ये मूवमेंट करती है, जो रोटेशन, अर्थ का रोटेशन होता है, ये इसी के कारण डे और नाइट होती है। अब आप सोचेंगे कि अर्थ घूमती है तो डे एंड नाइट कैसे होते हैं, तो जैसे सपोज करिए ये आपका क्या हो गया, ये आपका अर्थ हो गया और ये आपका सन हो गया। अब देखिए इसको सपोज करिए ये राउंड फिगर है, ठीक है, इसका शेप राउंड है। अब देखिए ये अर्थ का एक पार्ट हो गया, ये सन की तरफ है, अब ये देखिए ऐसे ही तो अर्थ चक्कर काटेगी, ऐसे ही चक्कर काटेगी। अब जो फेस सन की तरफ है इधर डे रहेगा, और जो फेस सन के अपोजिट साइड रहेगा उधर नाइट रहेगा, ये देखिए। अब धीरे 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 चक्कर काटते हुए अब यहाँ पे आ गई, अब सन के पास ये फेस हो गया, तो इधर दिन हो जाएगा और इधर रात हो जाएगी। आते हैं रिवॉल्यूशन पे। द अर्थ आल्सो मूव्स अराउंड द सन एंड कंप्लीट्स वन राउंड वंस ए ईयर। जो अर्थ है वो चक्कर लगाती है, किसका, सन का लगाती है, और सन का पूरा चक्कर लगाने में उसको कितने टाइम लगते हैं, पूरे 1 साल लगते हैं। इट्स मूवमेंट अराउंड द सन इज कॉल्ड रिवॉल्यूशन। और जो सन का चक्कर लगाती है उस पूरे पार्ट को, जैसे ये सन का ये चक्कर लगा रही है, लगा रही है, लगा रही है, लगा रही है ना अर्थ, तो ये यहाँ से चली अर्थ ऐसे चक्कर लगाते 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 जब यहाँ पे पहुंच गई तो 1 साल हो जाते हैं, ठीक। और इसके इस सन के चारों तरफ चक्कर लगाने को रिवॉल्यूशन कहते हैं। द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन आल्सो कॉजेज ए चेंज ऑफ सीजन, द अर्थ रोटेट्स फ्रॉम द वेस्ट टू द ईस्ट। जो अर्थ होती है सन की तरफ चक्कर लगाती है, तो उसी के चक्कर के अकॉर्डिंग, जो सन की तरफ चक्कर लगाती है उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, सीजन चेंज होते हैं, मौसम बदलते हैं, ठीक। और हमेशा अर्थ क्या होती है, हमेशा अर्थ वेस्ट से ईस्ट की तरफ चक्कर लगाती है, हमेशा अर्थ ऐसे चक्कर लगाएगी, इधर वेस्ट है इधर अर्थ है, तो इस साइड से घूमेगी ऐसे, ठीक है। अब आते हैं सेव द अर्थ। आप सभी को पता है कि हमारी अर्थ जो है इस पे लाइफ है, और अर्थ पे इस समय बहुत ही ज़्यादा पोल्यूशन हो रहा है, हमको पोल्यूशन रोकना चाहिए। आप बचपन से सीखते आ रहे हैं पोल्यूशन मीन्स प्रदूषण, यहाँ पे बहुत सारी गंदगियाँ आ गई हैं, इनको दूर करने के लिए सबसे अच्छा फार्मूला क्या है, प्लांटेशन करना, प्लांटिंग करना, पौधे लगाना। जितने ज़्यादा हम पेड़ पौधे लगाएंगे उतनी ज़्यादा हमको ऑक्सीजन मिलेगी, और ऑक्सीजन मिलेगी तो पूरे अर्थ में, पूरे अर्थ पे
लोग स्वस्थ रहेंगे, कहीं भी कोई गंदगियां नहीं रहेगी। ठीक है, आगे देखिए और हम क्यों अपने अर्थ को सेव करें, कैसे सेव करें, इसके बारे में पढ़ा जाए। द अर्थ इज आवर होम एंड वी नीड टू प्रोटेक्ट इट बिकॉज इट इज इन ग्रेट डेंजर नाउ। अर्थ हमारा घर है, ठीक है, इसलिए हमें इसकी रक्षा करनी चाहिए। आप अपने घर की रक्षा करते हो कि नहीं? घर में लॉक लगा देते हो, घर की सफाई करते हो, क्यों करते हो? क्योंकि आप उस घर में रहते हो। तो जब आप एक छोटे से घर की इतनी रक्षा करते हो, इतना प्रोटेक्शन देते हो घर को, तो आपका तो अर्थ पूरे लोगों का घर है। अर्थ तो पूरे लोगों का, जितने भी ह्यूमन बॉडीज हैं, एनिमल हैं, ठीक है, पिसीज है, सबका ये घर है। तो हमें नहीं चाहिए कि हम अपने घर की रक्षा करें, हम अपने घर को सुरक्षित रखें, हम अपने घर को क्लीन रखें? ठीक, पीपुल आर एक्सप्लोरिंग द नेचुरल रिसोर्स ऑफ द अर्थ टू द मैक्सिमम। और जो लोग हैं वो नेचुरल रिसोर्स को, एनर्जी रिसोर्स को क्या कर रहे हैं? बहुत ही ज़्यादा बर्बाद कर रहे हैं। जैसे लाइट है, क्या किए आप? टीवी ऑन करके आप चले गए बाहर, बात कर रहे हो किसी से। फैन चल रहा है, आप क्या किए? आप चले गए बाहर। टीवी चल रहा है, फैन चल रहा है, कूलर चल रहा है, आप इलेक्ट्रिसिटी का बिल बढ़ा रहे हो। आप जो है उसको बहुत ही ज़्यादा उसका दुरुपयोग कर रहे हो। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है हमको। अपनी एनर्जी को क्या करना है? सेव करना है। ठीक है, टू सेव आवर अर्थ वी शुड प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज। ट्रीज कीप आवर एनवायरनमेंट क्लीन एंड फ्रेश। और ये तो बताया गया कि हम अपने अर्थ को बर्बाद कर रहे हैं, अब बता रहे हैं इसमें कि आप अपने अर्थ को कैसे क्लीन कर सकते हो और अपने अर्थ को कैसे सेव कर सकते हो। सिर्फ एक फार्मूला है उसका, पेड़ लगाना। आप जितने भी पेड़ लगाओगे उतनी ही अर्थ हमारी सुरक्षित होगी। हमारी जो सबसे बड़ा घर है अर्थ, ठीक है, इस अर्थ को क्या करना है? पेड़ ही पेड़ लगा देने हैं। ठीक है, तो इससे हमारे अर्थ प्रोटेक्शन हो जाएंगे। आइए देखते हैं, ये टास्क टू डू है, ये एक टास्क है, इसमें हम बता रहे हैं आपको क्या करना है। यहाँ पे देखिए, नेम ऑफ योर प्लेनेट, आपके प्लेनेट का नेम क्या है? अर्थ। नेम ऑफ योर कॉन्टिनेंट, आपके महाद्वीप का क्या नाम है? एशिया। नेम ऑफ योर कंट्री, आपके कंट्री का क्या नाम है? इंडिया। इंडिया है कि नहीं? नेम ऑफ योर स्टेट, आप किस स्टेट के हो? उत्तर प्रदेश, यूपी। ठीक, नेम ऑफ योर सिटी, आपकी सिटी कौन सी है? प्रयागराज। ए लैंडमार्क नियर योर हाउस, और आपके घर के आसपास जो एक चिन्ह है जिससे आपका लोग पता लगा सकें, उस लैंडमार्क को आप लिखिएगा। ठीक है, समझे कि नहीं? आगे समरी इस चैप्टर की आते हैं, देखते हैं। समरी ये है, द अर्थ इज द ओनली प्लेनेट दैट इज नो टू सपोर्ट लाइफ। अर्थ सिर्फ एक ऐसा प्लेनेट है जिस पे लाइफ है, ठीक है, और कहीं लाइफ नहीं है। द अर्थ इज आल्सो कॉल्ड द ब्लू प्लेनेट, और अर्थ को एक और नाम से जाना जाता है। किस नाम से? ब्लू प्लेनेट। क्यों? क्योंकि अर्थ पे सबसे ज्यादा पानी है। कितने परसेंट? 70%। द अर्थ हैज टू मूवमेंट, रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन। अर्थ के कितने मूवमेंट हैं? टू हैं, पहला रोटेशन, दूसरा है रिवॉल्यूशन। द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन आल्सो कॉजेस ए चेंज ऑफ सीजन। जो सन के चारों तरफ चक्कर लगाती है जब अर्थ, तो उससे सीजन चेंज होती है, मौसम बदलते हैं, गर्मी सर्दी बरसात ये सब आते हैं। द अर्थ टेक्स 24 आवर्स टू कंप्लीट वन रोटेशन। जो अर्थ है अपना खुद का चक्कर लगाने में कितने घंटे उसको लगते हैं? 24 आवर। और सन का चक्कर लगाने में कितने दिन लगते हैं? एक साल लगते हैं, 365 दिन लगते हैं। ठीक है, ट्रीज कीप आवर एनवायरनमेंट क्लीन एंड फ्रेश। कौन सी ऐसी चीज है जो हमारे एनवायरनमेंट को क्लीन और फ्रेश रखती है? ट्री। कौन सी है? ट्री है। द पैसिफिक ओशन इज द लार्जेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड, और सबसे बड़ा ओशन कौन सा है इस वर्ल्ड में? पैसिफिक। वाइल द आर्कटिक ओशन इज द स्मॉलेस्ट ऑफ ऑल, और आर्कटिक जो है वो सबसे छोटा क्या है? ओशन है। ठीक है, बाकी आपको, आप क्या करोगे, आप आपकी बुक में अर्थ रिवॉल्यूशन, सेव अर्थ, अर्थ रोटेशन और अर्थ इज राउंड,
ये चार फिगर हैं, इसको आप अपनी कॉपी में ड्रॉ करिएगा और कलर भी कर लीजिएगा, ठीक है। हम आपको वर्ड मीनिंग, क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइज की पीडीएफ देंगे, आप उसको कॉपी में कर लीजिएगा, ठीक है। और लास्ट में आपको ये है बस टाइम, इसको क्या करना है, जो जमीन है उसको क्या करना है, ब्राउन कलर से कलर करना है, और जो पानी का भाग है उसको ब्लू कलर से। पानी का भाग कौन सा है, ये सब वाटर है, ठीक है, इसको ब्लू से करना है, और ये सब लैंड है, इसको ब्राउन से करना है, ठीक है। थैंक यू।